ये बर्ड फीडर है ये, ठीक है। और एक और मंगा दिया मैंने ताकि क्या होगा, जिसकी वजह से जो सामने लगे हुए लगे, मैं दिखाता हूँ आपको इसका तरीका। यह इसको सिस्टम करके ये देखो, इसमें क्या होता है, चार स्टैंड है, ठीक है। एक ये यहाँ भी बैठ सकती है, 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 चारों से बैठ सकती है। और राशन जो है इसमें चावल जो डाले जाएंगे, यहाँ से पूरे चावल डालने हैं इसमें, ठीक है। मैं अभी दिखा दूँगा, ऊपर एक लगा हुआ ऑलरेडी मेरा। इसका क्या करना है, इसका पेज को खोल लेना है, ठीक है। इस पेज को खोल लेना, क्योंकि पैक हो के आता है तो ये डायरेक्ट लगा के प्लेट को देते नहीं है। इस पेज को आप खोल लो, ठीक है। ये खुल गया पेज, उसके बाद क्या करना है, ये प्लेट पे इसमें लगा देना है ऐसे। ये जो प्लेट के साथ की है, ठीक है, इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर। एक बार आप बंद करके दोबारा ऑन करके, ठीक है। ये बंद करके दोबारा ऑन करके, ये जरा सा लंबा और करना पड़ेगा। ये देखो पानी गर्म होगा फिर देख ले इसको, ये करके ओके। अब क्या है, ये इसको जो है टाइट यहाँ पे, उसे खाँचे फंसाने में दिक्कत होती है ना, उसमें रखना एक बार जरूरी है। उसमें लग जाए तो फिर काम फंस का तरीके से हो जाता है। मैं लगा की कोशिश करता हूँ, ठीक है। भाई लग गया, इसके बाद इसको टाइट कर देना, ओके। ये दोस्तों भेजवा है ना, ये गोराई के लिए खास तौर से इस तरीके से ये इसको एंकर करके सही तरीके से इसको क्या करके लटका दिया जाएगा आराम से। और मैं टाइट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया। यहाँ पर भी आप चावल वगैरह डाल दो, गेहूँ वगैरह जो भी डालना डाल दो। उसका ये जो छेद है ना, ये ऊपर से भरता जाएगा यहाँ तक पहुँच कर। जैसे यहाँ से खाली होता तो उसको दोबारा आप उसको भर सकते हो। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर कि किस तरीके से लगा हुआ क्या है और कैसे मैंने इसको लगाना है। दोस्तों ये वर्ल्ड फीडर आप मंगा सकते हो दोस्तों, ठीक है। मैंने तो गार्डन में लगा सकते हो, बगीचे में लगा सकते हो। मैंने 3-4 गार्डन में भी लगा रखे हैं, ठीक है। गेहूँ डाल दो, चावल भर दो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 10-15 दिन आराम से चल जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं दिखा ये, अब मैंने ये देखो टोटल मिला के लगे हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। टोटल मिला गया है 7 घोंसले लगे दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और वहाँ पे एक मैंने लिखा भी था, कहते हैं गौरैया आसियाना करके, ताकि चिड़िया वगैरह आते हैं। बाकी जो फीडर लगे हैं दोस्तों ये लगे हैं, देखे ठीक है। तो अभी क्या कर रखा मैंने, देखो इस तरीके से भले करके प्रोडक्ट कोई भी चीज़ को करने के लिए ना पूरी बेस के अंदर से ऊपर को तक जाना पड़ता है। ये देखो पूरा ऊपर से क्या कर रखा, ऊपर एंकर करने के बाद ऊपर ढील वो करे सेट करके, फिर एक चैन नीचे लटका के उस पर हुक पे जाके जो क्या लगेगा हमारा, हुक में क्या लगेगा, ये लगेगा हुक, ठीक है। ऐसे हुक में ये लग जाएगा सामने, वो देखो वो हुक में लगा हुआ। तो इस तरीके से जो उसमें चावल भरे हुए दोस्तों, देखो कितने चावल उसमें उतने कम हो गए, ठीक है। तो उस हिसाब से लग गया। तो जो दूसरा वाला जो मैंने लगा रखा ना, ये हट जाएगा, क्योंकि इसमें बंदर वगैरह गिरा देते हैं। तो ये वाला निकाल दूंगा, इसको निकालने के बाद इसको मैं इसमें लगा दूंगा दोस्तों। तो अब इस प्रोडक्ट ये तरीके से आप कहीं पर भी, आप अपने घर के आसपास कहीं पर भी लगा सकते हैं। इसका तरीका यही है, सेफ साइड में लगाओ, ताकि ऊपर से इसका बेस है ना, ये देखो ऊपर बेस है, तो बरसात का पानी वगैरह कोई इसमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ऑलरेडी गौरैया इसके अंदर आके
अपना आशियाना बनाएगी, इसके अंदर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। गौरैया अपना पक्षी जो है अपना सही तरीके से अपना काम करता है। अब ये सोचो कि मैं रुई रख दूँ, घास रख दूँ, वो रह जाएगी, कभी नहीं आएगी। गौरैया ने जब आना होगा इसके अंदर खुद घुसेगी, खुद अपना घर बनाएगी, खुद अपने तरीके से इसके अंदर घुसेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने सही तरीके से ये जो 5 से 7 घोंसले लगा रखे हैं उनके फीडर के लिए ये लगा रखा है, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए ये एक मैसेज है कि आप भी ऐसा काम आप कर सकते हो जिससे जिससे गौरैया वगैरह को पानी मिले। बाकी जो पीने का है तो मैंने छत में पूरा बंदोबस्त कर रखा है, चाहे वो कबूतर हो चाहे कोई भी हो, चाहे पानी का पूरा बंदोबस्त छत के ऊपर पूरा किया हुआ है। और गो ग्रीन कॉन्सेप्ट की वजह से ना काफ़ी पक्षी वगैरह वहाँ पे आते हैं, अच्छा लगता है। तितैया, चिट्टी, मिट्टी वगैरह पानी आनी पीने के लिए, रहने के लिए तितलियाँ वगैरह, तितलियाँ वगैरह, चिड़िया वगैरह, पूरा सुबह से पूरा मेला लगा रहता है दोस्तों। पौधे जाओगे ना वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। पॉजिटिव एनर्जी आने से क्या होगा कि आप ऑटोमेटिक, ये देखो अब देखो बॉस को यहाँ सोया हुआ है, बॉस को यहाँ सोया है, ठीक है। पौड़ी आती है जिससे यहाँ पर चीड़ पड़ गया आराम से आती है, इसको मैं आराम से इसमें लगा के फीड कर दूँगा, उसको चेंज कर दूँगा, उसको हटा दूँगा वहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो दोस्तों। मैंने इसलिए यहाँ पे आपको इसलिए बताया ताकि जो है ये चीज़ मैं आपकी नॉलेज में इसलिए डाली ताकि आपकी समझ में आएगी किस तरह से कॉलर, देखो गो ग्रीन कॉन्सेप्ट के अंदर मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी आती है। आप यहाँ से अगर आप देखोगे, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये तो क्या होता है, पक्षी क्या है, एनवायरमेंट देखते हैं, हालात देखते, सिचुएशन देखते हैं, उसके हिसाब से ही पक्षी वगैरह जो है आना पसंद करते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, गो ग्रीन कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है कि पक्षी आएगी, छोटे मोटे पक्षी भी आते हैं और अपने तरीके से बैठते हैं, छाया लेते हैं। गर्मी के मौसम में ज़्यादा तादाद जो है पक्षियों की बढ़ जाती है क्योंकि उनको छाया चाहिए होती है, तो इस तरीके से ये यहाँ पर आते हैं। तो उस वजह से सपोर्ट की वजह से मैंने ऊपर इसलिए लगाया हुआ है ताकि बारिश का पानी घोंसलों के अंदर ना जा पाए, घोंसले भी सेफ रहे, राशन भी सेफ रहे और वो खाने वाली चिड़िया जो भी आए अपना खाना खाए और निकल जाए, ठीक है। बाकी छत के अंदर गो ग्रीन नेट, मतलब ये अपना मैंने ग्रीन नेट लगा रखा है छत के ऊपर और वहाँ तो पूरा भरा हुआ है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहाँ पे चिड़िया वगैरह सब टोटल वगैरह दुनिया भर की आती है। छत पे मैंने इसलिए लगाया दोस्तों, ठीक है, छत में इसलिए लगाया क्योंकि ना वहाँ पे ओपन है, ओपन में बारिश की वजह से दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने इस तरीके से ये लगाया है दोस्तों। अगर आपको ये और आप भी छोटे मोटे इस तरीके से प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हो और अपने, ठीक है, एफर्ट डालोगे तभी जाके होगा इसमें, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ना काम बहुत करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। ये भी एक बच्चे की तरफ होते तो ये नहीं कि लगा दिया और भूल जाओ, इसमें ज़मीन से लेकर ऊपर तक समझ लो, जैसे स्कूल जाता ना बच्चा उसके हिसाब से इसको भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार लगा दिया लाइफ टाइम के लिए ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक तो आपकी जान है, जब तक ये पौधे हैं, आपने अपने सपोर्ट के हिसाब से इनको करना है। बहुत ही बड़े होते हैं तो गमले को चेंज कर लो, ठीक है, उसको जो है शिफ्टिंग कर दो, बड़ा गमला लाओ, बड़े गमले में उसको शिफ्ट कर दो, ठीक है, इस तरह से चेंज करो। जैसे मैंने आज 3 गमले चेंज किए हुए हैं, ठीक है, ये देखो अब दिखा दिया दोस्तों, इस तरीके से मैसेज मैंने आपको दिया और इसलिए मैं ये लेके आया। मैं रेट वगैरह बताता नहीं दोस्तों कितने का क्या है, मैं सिर्फ ये मैसेज देता हूँ कि अगर आप कर सकते हो तो कर सकते हो ये प्रोजेक्ट को, इस तरीके से आप इसको ये, ठीक है, ये बाप क्या आपको कैसे करना है, क्या करना है, और अगर अपने तरीके से भी कर सकते हो उसको जैसा और प्रोफाइल अपने को दिल को अच्छा रखने के लिए ना, इस प्रोजेक्ट को वो करने के लिए आप ये इस तरह से नेम प्लेट वगैरह भी, आप गार्डन नेम प्लेट भी आप ये, ठीक है, वेलकम गार्डन नेम प्लेट वगैरह भी ये बना सकते हो। और पौधे लगाने का जो भी सिस्टम है ना वो किसी भी तरीके से आप लगाओ, कहीं भी लग सकता पौधा, कहीं भी लगता है, आपको लगाने वाला चाहिए बस। ये देखो इस पर भी लगाया है ना, कहीं भी लगता है, छोटे से गमले में, छोटे से ढक्कन में, छोटे से मैं कह रहा हूँ कि बोतल के ढक्कन में भी पौधा लगता है, बस लगाने वाला चाहिए। चलो दोस्तों ये मेरा मैसेज था, अगर वीडियो पसंद आता है शेयर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को, और जो भी पॉजिटिव बातें आती है, मेरा कोई कंटेंट नहीं होता, जो मैसेज पॉजिटिव होता है लोगों के हित में होता है वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो कलर बहुत अच्छा भेजा है उन्होंने, कलर मैंने कोई वो नहीं किया था लेकिन उन्होंने कलर बहुत बढ़िया भेजा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हाँ शिफ्ट कर देंगे दोस्तों। जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूँगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।